एवरीवन वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन वंस अगेन। एंड आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट ब्रोकर के बारे में बात करेंगे जो रिम्स रांची से रिलेटेड है। एंड बेसिकली जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज MHA कोर्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024। तो एक एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इस एंट्रेंस एग्जाम में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड किसके लिए कोर्स है, जो कि रिम्स रांची ने खुद न्यू रिलीज़ कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो, कंप्लीट डिटेल इसी वीडियो में है। इसके साथ साथ ये ब्रोकर आपको हमारे टेलीग्राम पे और व्हाट्सअप ग्रुप में भी देखने को मिल जाएगा, तो एक बार ही चेकआउट कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024। तो इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं एंड कौन कौन स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेके इस कोर्स को कम्प्लीट कर सकते हैं, ठीक है। कोर्स के डिटेल के बारे में यहाँ पर नीचे इस ब्रोकर में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपने ये ब्रोकर ऑलरेडी देख रखा है तो वहाँ पर आपको सारे डिटेल समझ में आ जाएंगे। फॉर्म फिलआउट कैसे करना है, अगर आपको फॉर्म फिलअप में कोई दिक्कत हो रही है तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है स्क्रीन पे आपको रिफ्लेक्स कर रहा होगा, उस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर्म फिलआउट के थ्रू, फॉर्म फिलअप से रिलेटेड एंड इशूज़ के रिलेटेड, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन ब्रोकर है बेसिकली। एंड सबसे पहले तो डेट, इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर है, एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल जो होगा ना 6 फरवरी को होगा एंड लास्ट डेट एप्लीकेशन को सबमिट कर पाओगे 20 फरवरी को। एंड एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा 27 फरवरी को, जो कि आपका ईमेल एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। एंड जो इंट्रेंस एग्जाम होगा वो 29 फरवरी को, और प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन जो एग्जामिनेशन होने वाला है ना वो रिम्स रांची में होगा, ठीक है। तो रिम्स रांची ने ये फॉर्म रिलीज़ करा है एंड रिम्स रांची ने ही ये फर्स्ट टाइम ये कोर्स रिलीज़ करा है झारखंड के अंदर, और वो भी रिम्स के अंदर, काफ़ी बड़ी बात है। एंड जो आपका रिजल्ट पब्लिकेशन होगा इंट्रेंस एग्जामिनेशन का, वो वेबसाइट में, इन लोगों ने एग्जामिनेशन का फॉर्मेट नहीं किया है एंड क्या मार्कशीट मार्क रहने वाला है वो डिटेल आई थिंक हो सकता है नीचे दिया हुआ, मैंने चेकआउट नहीं किया हो, बट यहाँ पर ऊपर में लोगों को मेंशन करना चाहिए दैट कि जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो किस तरीके से रहेगा एंड किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो अभी बात कर लेते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है इस एग्ज़ाम के लिए, बट उससे पहले नीचे की इंफॉर्मेशन को चेकआउट करते हैं हम लोग। देखो बेसिकली कोर्स के बारे में यहाँ पर मेंशन है दैट द कोर्स इन मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन MHA विल बी रन बाय राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स रांची एंड द डिग्री ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन MHA एंड ये डिप्लोमा लेवल का कोर्स है, ठीक है। एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, इस कोर्स से आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा एंड कहाँ पर आपकी प्लेसमेंट्स हो सकती है, ऑलराइट। तो देखो, टू प्रिपेयर टू कैंडिडेट द अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर हॉस्पिटल एक्जीक्यूटिव हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ सेक्टर टू सब्सिक्वेंटली फंक्शन एट हायर लेवल द हायरार्की विद द रेस्क्यूड एक्सपीरियंस, ऑलराइट। टू डेवलप द स्किल एंड लार्जर नॉलेज बेस टू फंक्शन एज हॉस्पिटल मैनेजर एट वेरियस लेवल इन द हॉस्पिटल, ठीक है। तो बेसिकली आपने MBA नाम का सुना होगा कोर्स, तो उसी तरीके से ये MHA है, ठीक है। तो बेसिकली ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्स है एंड कैसे हॉस्पिटल में जो नर्सेज एंड डॉक्टर्स वर्क करते हैं उसके लिए क्या बेटर सप्लीमेंट्स हो सकते हैं एंड क्या क्या आइडियाज़ एंड क्या क्या एनालिसिस हो दैट कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट अच्छे तरीके से हो, तो उसके बारे में यहाँ पर इस कोर्स में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट समझ सकते हो आप, यही मेन जो है रोल है इसका, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या क्या रहने वाली है, ठीक है, कौन कौन एडमिशन इस पर मतलब कौन कौन ले सकते हैं एडमिशन। तो देखो सिंपल है, यहाँ पर ग्रेजुएट फ्रॉम रिलेवेंट बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये बेसिकली ये 12 लेवल के एग्ज़ाम्स नहीं है, यहाँ पर अब जो जो MBBS या फिर मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, जिसने MBBS BDS या फिर आयुर्वेदा कर रखा है रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से, तो वो लोग ही एलिजिबल है, ठीक है। मतलब कि जिसने MBBS कर रखे हैं BDS कर रखे हैं वो लोग ही एलिजिबल है एंड वही लोग इस फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं, वही लोग इंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। एंड उसके साथ साथ और भी कोर्सेज यहाँ पर दिया है दैट PG DMMH PGH कोर्सेज विथ रिकोगनाइज सेंट्रल यूनिवर्सिटी नॉन मेडिकल स्ट्रीम विथ 50% मार्क्स विथ और हैविंग मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस, यहाँ पर सारे डिटेल्स दिए हुए, एलिजिबिलिटी आप चेकअप कर सकते हो। बेसिक एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एज लिमिट क्या है इसकी, एज लिमिट अपर एज लिमिट 35 है, लोअर एज लिमिट कुछ भी इन लोगों ने नहीं दिया है, ठीक है। और अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल होगा अगर झारखंड गवर्नमेंट के रूल्स में जो भी होते हैं रिलैक्सेशन लाइक SC ST के लिए, ठीक है। और सिलेक्शन है रिजर्वेशन, तो सिलेक्शन और रिजर्वेशन जो होगा ना वो देख सकते हो कुछ इस तरीके से है, द इंटरव्यू बोर्ड ऑफ GDPI विल कंसिस्ट ऑफ डीन एक्सटर्नल एक्सपर्ट और यहाँ पर देख सकते हो SC ST फैकल्टी मेंबर एंड यूनिवर्सिटी VC नॉमिनी। आफ्टर क्लियरिंग द एग्ज़ाम आपको इंटरव्यू में बैठना पड़ेगा एंड इंटरव्यू के बाद ही आपका जो कोर्स एडमिशन होगा वो होगा, ठीक है। एंड अभी बात कर लेते हैं सीट्स की, तो टोटल 6
सिक्स सीट है यहाँ पे, बहुत कम सीट है, बट बेसिकली ना ये फर्स्ट टाइम कोर्स रिलीज हुआ है तो 6 सीट यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। 6 सीट पे ही एडमिशन होगा, जिन लोगों ने भी MBBS या फिर BDS या फिर आयुर्वेदा कर रखा है तो वो लोग एलिजिबल होंगे। एंड ड्यूरेशन जो है वो 2 ईयर्स का है एंड फुल टाइम है, ठीक है, मतलब कि अटेंडेंस यहाँ पर कंपलसरी होगा। सर्टिफिकेट एंड अप्रूविंग विद अथॉरिटी, सॉरी फॉर दैट इंग्लिश में थोड़ा सा लैग कर रहा हूँ बिकॉज मॉर्निंग में बना रहा हूँ तो मेरा जो है ना इंग्लिश थोड़ा थोड़ा इशू आ रहा है इसलिए। अरे वे देख लो, देख सकते हो यहाँ पर सर्टिफिकेशन एंड अप्रूविंग अथॉरिटी, ठीक है। तो सर्टिफिकेट कौन प्रोवाइड करेगा, तो देखो कोर्स हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय एकेडमिक एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ रिम्स एंड रांची यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ऑल्सो, ठीक है। द स्टूडेंट अपॉन सक्सेसफुल कम्प्लीशन ऑफ द कोर्स विल बी अवार्डेड एज ए मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम रिम्स रांची यूनिवर्सिटी, राइट। रांची यूनिवर्सिटी से भी एफिलिएटेड है एंड रिम्स से भी एफिलिएटेड है ये कोर्स एंड वेरिफिकेशन है, अप्रूव्ड है, ठीक है। तो नो इशू दैट कि ये गुड कोर्स होगा MBBS के बाद। आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट या फिर हॉस्पिटल के डिटेल एनालिसिस या फिर परफेक्ट हॉस्पिटल मैनेजमेंट में वर्क कर सकते हो एंड काफ़ी ज़्यादा इसकी सैलरी भी हो सकती है इन फ्यूचर, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम झारखंड में है तो जो भी ये लोग करेंगे गवर्नमेंट जॉब के चांसेस 99% हो जाता है, ठीक है। एग्जामिनेशन पासिंग क्राइटेरिया, ठीक है। तो एग्जामिनेशन पासिंग क्राइटेरिया ये बेसिकली आफ्टर एडमिशन है, ठीक है, देख सकते हो। द कोर्स इज स्प्रेड आउट ऑफ 4 सेमेस्टर सर्च ऑफ 6 मंथ, ठीक है, मतलब कि 6 मंथ फर्स्ट सेमेस्टर, 6 मंथ सेकेंड एंड 6 मंथ थर्ड एंड 6 मंथ फोर्थ। तो ये पढ़ना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, और अभी अगर इन लोगों ने एग्जाम की डिटेल दे रखी है तो मैं चेकआउट कर लूँगा, बट अगर आपको पता हो तो कमेंट में बताना। एंड टेलीग्राम चेक कर लेना ब्रोकर के लिए एंड हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी चेक कर सकते हो जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड जो लोग भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं वो लोग एक बार कमेंट करना या फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जो भी स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा। तो आज के इस डिटेल्ड वीडियो में इतना ही, एंड जो भी डाउट्स है इसके रिगार्डिंग दैट इज मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, तो एक बार कमेंट डाउन कर लेना एंड कॉन्टैक्ट कर लेना। सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।